रीवा जिले के हनुमाना लोक सेवा केंद्र से अधिकारियों की मनमानी का मामला सामने आया, जहां आधार कार्ड बनाने पहुंचे ग्रामीणों से लोक सेवा केंद्र के अधिकारी पैसे की मांग कर रहे हैं। जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया तो लोक सेवा केंद्र के अधिकारियों ने आधार कार्ड बनाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने कार्यालय में जमकर हंगामा भी किया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पूरा मामला मनमाने ढंग से पैसा वसूलने का बताया जा रहा है, जहां पर आधार कार्ड बनाने के एवज में लोगों से पैसे की मांग की जा रही है, जबकि उन्हें रिसीविंग में निःशुल्क का रसीद दिया जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो लोक सेवा केंद्र के अधिकारियों कर्मचारियों ने सभी का आधार कार्ड बनाने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यहां लोगों से जबरन पैसे की मांग की जा रही है, जबकि रसीद में निःशुल्क दिखाया जा रहा है। मामले को लेकर संवाददाता ने जब रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प से बात की तो उन्होंने सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। संचालक कौन है तुम्हारा? सचिव अग्निहोत्री। वो जबरदस्ती बोलते हैं 100 रुपए चाहिए भाई। नियम में है क्या नया आधार कार्ड में 100 रुपए देना? नहीं है। फिर तुम क्यों लेते हो 100 रुपए? बता तो दिया सर, एक बार बोल दिया है ना, संचालक बोलता है। आपकी शिकायत प्राप्त हुई है और हम लोग SDM को ये शिकायत भेज रहे हैं। अगर ये शिकायत सही पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की।